हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सन टैरोट 7777। होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल टॉपिक लेके आई हूँ। व्हेन विल यू गेट मैरिड, हु विल यू गेट मैरिड एंड व्हेन विल यू गेट मैरिड। ओके, मतलब आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पॉस, और साथ साथ आपकी शादी उनसे कब होगी ये हम जानेंगे। और चीट्स के थ्रू भी हम जानेंगे किस मंथ में, किस वीक में, किस ईयर में हो सकती है, उनका लुक कैसा होगा, आप कहाँ से कहाँ पे उनसे मिलोगे, वो कहाँ के होंगे। और साथ ही साथ मिक्स चीट के साथ हम जानेंगे, ठीक है, बहुत सारा उनका नेचर, लुक्स तो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाली है ये रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने दो पाइल ली है, वो आप देख लो। पाइल वन, मैंने आज जोडियक साइन के अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग पाइल ली है, ठीक है। पाइल जिनकी जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, एरीस, कैंसर, सेजिटेरियस है, वो पाइल वन लेंगे, या फिर द लायनेस से भी पाइल अपना आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर लायनेस लेना है तो आप पाइल वन चूज़ करिए। और पाइल टू जिसका लियो, दिस इज स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ रहा है, वो पाइल टू चूज़ करेंगे जिनका राशि है। और साथ साथ अगर आप चूज़ करना चाहते हैं ये डियर, तो ये डियर चूज़ करके भी आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग जो होगी टाइमलेस रीडिंग होगी। ओके, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, कोई भी मैरिज वाले देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, और चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करें फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिलीज़ में। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं पाइल वन की। हेलो पाइल वन, चलिए आपकी कार्ड्स लेते हैं। कार्ड लेने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, आप कभी भी देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। ओके, और बिल्कुल पॉजिटिव वे में देखना है। चलिए पाइल वन कार्ड्स लेते हैं फटाफट। तो हम अभी देखेंगे एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू कि आपके फ्यूचर स्पॉस का नेचर कैसा होगा। ओके, वो कैसे होंगे, उनका काम वगैरह कैसे रहते होंगे, इनका सिचुएशन। ओके, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कार्ड फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी कार्ड, द कार्ड हाउस। ओके, पहला कार्ड हमारा आ गया, दूसरा कार्ड हम देखते हैं। ऑलराइट, चलिए हम जोडियक साइन भी देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर का जोडियक साइन भी क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं। इन सारे चीज़ों से नेचर भी उनका पता चल जाएगा। तो जोड़ी एक साइन भी देखते हैं, इसके लिए हम टू कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, एंड ऑल राइट, और भी दो कार्ड्स हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से लेते हैं और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके ओके, सो यहाँ पे सारे कार्ड्स आए हैं, हम देखते हैं ये सारे कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके फ्यूचर स्पॉस के बारे में। सो पाइल वन, आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि आपका पहला कार्ड आया है एक्वेरियस, मतलब कि हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पॉस होंगे उनकी राशि एक्वेरियस होगी। अब मैं बताती हूँ कि एक्वेरियस कहता क्या है, कैसे होंगे आपके लाइफ पार्टनर। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनको फ्रीडम बहुत पसंद होगा, ठीक है, फ्री फ्री रहना वो बहुत पसंद करते होंगे, ठीक है। नेचर के ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे इंसान होंगे और लोगों की हेल्प करना पसंद करते होंगे, ठीक है, इंसानियत पे भरोसा रखते होंगे, ठीक है। साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत शांत रहने वाले इंसान होंगे, फ्रीडम पसंद करते होंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये ज़िद्दी भी होंगे, ठीक है, और इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ऐसी एनर्जी होगी कि वो सोचते होंगे कि मुझे दुनिया को बदलना है, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाना है, मतलब ऐसी इनमें एनर्जी है। साथ साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी एंड साइंस से बिलोंग करते होंगे, मतलब हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट से उन्होंने पढ़ाई की होगी। और साथ साथ ये भी दिख रहा है मुझे कि हो सकता है साइंटिस्ट होंगे या फिर, और मुझे ये लग रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड चीज़ों में ये जॉब करते होंगे, उनमें काम होगा इनका, ठीक है, या फिर पढ़ाई करते होंगे और या फिर कुछ भी हो सकता है उनका,
ठीक है, तो ये सारा कुछ ये कार्ड्स कह रही हैं। और अगर उनका राशि टॉरस होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, नेचर लविंग होंगे, ठीक है, नेचर में रहना उनको बहुत पसंद होगा, बहुत ही शांत इंसान होंगे, पीसफुल लाइफ होगा उनका, लविंग लाइफ होगा, लोग उनसे बहुत प्यार करते होंगे और वो भी लोगों से बहुत प्यार करते होंगे, जानवरों में, लोगों, और नेचर में रहना, हमेशा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सब करना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे इस, ये जो है टॉरस ऐसे ये बता रहा है, ठीक है। तो इन दोनों कार्ड से ये पता चला अगर एक्वेरियस होता है तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ही फ्री रहने वाले इंसान, बहुत अच्छे इंसान, हेल्पफुल इंसान, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना, ऐसा उनका नेचर होगा। अगर टॉरस आता है तो बहुत शांत रहने वाले, अपने काम पे फोकस करने वाले, लोगों से प्यार करने वाले, लोगों को हेल्प करने वाले, इस तरह के इंसान होंगे और अपने ऊपर, अपने हेल्थ पे ध्यान देने वाले इंसान होंगे। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं द 8th हाउस। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर रिसोर्स एंड इंटेंस इमोशन। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान होंगे, इमोशनल पर्सन होंगे, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सभी को, लव वंस को लेके, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि शायद उनके लाइफ में पहले उनके साथ धोखा हुआ होगा, ठीक है, उनके साथ, उनके इमोशन के साथ, फीलिंग के साथ खेला गया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है इसलिए उन्हें बहुत तकलीफ हुई है, ऐसा दिखने को मिल रहा है। और साथ साथ इस कार्ड के थ्रू मुझे ये भी पता चल रहा है कि वो अपने फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभालते होंगे, मतलब पैसे के थ्रू पूरी तरह अपने फैमिली को चला रहे हैं। और साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो लॉयर भी हो सकते हैं, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस कार्ड के थ्रू मुझे ये पता चल रहा है कि लोगों की हेल्प भी करते होंगे, साथ साथ ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और ऐसा लग रहा है कि शायद अभी वो लोनली फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ होगा या फिर धोखा हुआ होगा और बहुत ज़्यादा पहले इमोशनल फील करते होंगे और धीरे धीरे उन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है 8th हाउस से, हम 12th हाउस, अब हम यहाँ देखते हैं पर्वन 12th हाउस, ठीक है। ये कार्ड जो है, इस कार्ड में आप देख रहे हो कि बिल्कुल दो इंसान खड़े हैं और सनराइज़ हो रही है। तो ये कार्ड, इसमें पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत काइंड इंसान होंगे, लॉयल होंगे और सच्चा प्यार करने वाले, ट्रू लव करने वाले होंगे, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो या लव वंस हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है उनके साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपको पता चलता होगा कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं और वो सच्चा प्यार होगा, ठीक है। और अब मैं बता देती हूँ कि वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही सारे कुछ पे बिलीव करते होंगे। जैसे कि टॉरस आया था तो मैंने बताया था कि शायद अगर टॉरस आता है उनका जोरियक साइन तो वो बहुत ज़्यादा नेचर लविंग होंगे, ये भी बताया था मैंने। सनराइज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, उससे ये पता चल रहा है कि उनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है तो वो धीरे धीरे, उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि हम सनराइज़ इसमें देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भगवान पे बिलीव रखते हैं, यूनिवर्स पे बिलीव रखते हैं। ओके, तो ये सारा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है, साथ साथ ये भी दिख रहा है कि बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत ही ट्रू इंसान होंगे, सच का साथ देने वाले होंगे, ठीक है, हमेशा, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस आते होंगे उनके लाइफ में, लेकिन हमेशा सच पे ही खड़े रहते होंगे, ठीक है, सच का ही साथ देते होंगे, झूठ का सहारा कभी नहीं लेते होंगे। ओके, सो पाइल वन, अब हम यहाँ देख रहे हैं मरकरी। हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट एंड टॉक एंड ट्रैवल। यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी जो आपके लाइफ पार्टनर है, करेंट सिचुएशन ये बताया जा रहा है उनके बारे में कि वो अभी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस किए हुए होंगे, ठीक है, बहुत सारी स्किल्स सीखने पर ध्यान दिए होंगे, क्योंकि वो अपने आप को टैलेंटेड और बाकी लोगों से अलग, यूनिक बनाना चाहते हैं, ताकि लोग जब उन्हें देखें तो बोले वाओ, इनक्रेडिबल, ही और सी इज़ यूनिक, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने पर फोकस किए हुए, ऐसा देखने को मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे देख रहे हो, कंप्यूटर और कीबोर्ड, ये देखने को आपको यहाँ पे मिल रही है। फिर यहाँ पे देखे थे एक्वेरियस, तो मे भी अगर एक्वेरियस आ जाए तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे संकेत दे रही है कि हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। या फिर मैंने बताया था, इस कार्ड के थ्रू पता चला था कि
सोशल वर्कर लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये दो चीज़ हो सकती है, या फिर टेक्नोलॉजी या फिर सोशल वर्कर। सो यहाँ पे ये पता चला है कि अब भी जो है आपके लाइफ पार्टनर का करंट सिचुएशन जो है वो ये दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत सारा चीज़ सीख रहे हैं, बहुत सारी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, ताकि बहुत ज़्यादा उनको कुछ आ सके, बहुत सारी चीज़ें आ सके, तो बहुत सारी चीज़ वो कर सके, अपने एम को कंप्लीट कर सके, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है, और इनके थॉट्स जो है वो बहुत पॉजिटिव है, क्लियर थॉट्स है, पावरफुल है, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है मुझे कि उनके जो भाई बहन होंगे वो भी उनके तरह ही अच्छे और क्लियर माइंडेड होंगे, तो उनका साथ ही देते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, इनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। वाओ, ये बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, बिल्कुल इससे ही रेजोनेट मिलती हुई दिख रही है, इससे मिलती हुई दिख रही है। इसमें ये कह रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है बिल्कुल पूरी तरह अभी जो उनकी करेंट एनर्जी है वो बिल्कुल तरह अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं, ठीक है। अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं अपने को चेंज करने में, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि उनमें बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो उन सारी चीज़ों को वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और ये एक कह सकते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी एक रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट है, जो कि दुनिया को बदलने वाली, हिस्ट्री लिखने वाली, इस तरह की स्पिरिट, सोच है उनकी, थॉट्स है, ठीक है। बहुत पावरफुल थॉट्स है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुद को चेंज करने में लगे हुए हैं, उनको फ्रीडम पसंद है, बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा दिख रहा है कि किसी ने उनका मजाक उड़ाया या फिर कुछ कमी बताई होगी उनको, ठीक है। तो वो बिल्कुल इसमें लग गए हैं कि नहीं, मुझे खुद को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम जिस तरह से यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि लाइटनिंग हो रही है, बिल्कुल बड़े पैमाने पे एकदम पूरा फट कर लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। तो इससे ही पता चला है कि वो बिल्कुल पूरी तरह अपनी पॉजिटिव एनर्जी लगा दिए हैं खुद को चेंज करने में, ठीक है, बदलने में। किसी की बात हो सकता है बहुत ज़्यादा लग गई हो, या फिर खुद को उन्होंने ये एनालाइज़ किया हो, देखा हो कि नहीं, मुझ में बहुत ज़्यादा कमी है, मुझको खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारा था। अब हम देखेंगे कि उनका करंट सिचुएशन कैसे चल रहा है, और भी देखते हैं, और भी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं, क्लियर करते हैं कि उनके फैमिली के साथ कैसे रिलेशन है, ठीक है, और उनका नेचर कैसा है, और भी चीज़ देखते हैं। फिर हम लव बॉन्डिंग देखेंगे आपकी उनके साथ, उसके बाद देखेंगे चीज़ के थ्रू कि कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, कब आप दोनों की शादी हो सकती है, ये भी हम देखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं अभी आपके फ्यूचर स्पॉस लाइफ पार्टनर का कैसा चल रहा है करंट सिचुएशन। ओके, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनके फ्यूचर स्पॉस का अभी कैसा चल रहा है। सो इन सारे कार्ड्स में ही से मैं ही से मैं लेती हूँ। ओके, पहला, ओके, पेशेंस, लेजीनेस, और कार्ड्स गिरे थे, इस कार्ड्स में से भी मैं ले लेती हूँ। ओके, अब देखते हैं यूनिकॉर्न से, यूनिकॉर्न क्या मैसेज दे रही है आपके लाइफ पार्टनर फ्यूचर के बारे में, क्या बता रही है, कैसा चल रहा है उनका करेंट सिचुएशन। प्लीज़ यूनिकॉर्न एंजल हेल्प मी गाइड मी, बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ पार्टनर फ्यूचर स्पॉस का करेंट सिचुएशन कैसा चल रहा है। फ्यूचर, वन मोर कार्ड, मूविंग। ओके, सो पाइल वन, यहाँ पे आपका पहला कार्ड जो आया है गिल्ट, इससे ये पता चला है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है शायद उन्होंने अपने लाइफ में थोड़ी बहुत गलती कर दी है, जिसके वजह से उनको अभी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। हो सकता है कि कुछ बिजनेस की होगी, उनमें पैसे लगाए होंगे, तो वो पैसा डूब गया होगा उनका, ठीक है। इस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, तो उस तरह से वो बहुत ज़्यादा क्या है, परेशान है, ठीक है, गिल्ट है उनको, रिग्रेशन हो रहा है उस बात को लेके, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि हाँ मैंने ऐसा क्यों कर दिया उसको। वो साथ साथ पेशेंस रखकर सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको पेशेंस है, ठीक है, ये एफर्ट भी डालेंगे कि हाँ वो सारा कुछ ठीक हो जाए। जैसे उनका बिजनेस, फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस है, या फिर कुछ भी पढ़ाई, या फिर
किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो गिल्ट फील कर रहे हैं तो उसके लिए फिर उसको सुधारने के लिए उन्होंने एफर्ट भी डाला है कि ताकि वो चीज़ सुधर जाए, और पेशेंस में बैठे हुए हैं ताकि वो चीज़ जल्दी सुधर जाए, ताकि वो लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, आगे आप ये देख रहे हैं आपका आ रहा है लेजीनेस कार्ड। ठीक है, लेजीनेस कार्ड से मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एक दिन ऐसा होगा कि जो भी उनका गिल्ट है, जिस वजह से वो रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे, अफसोस कर रहे हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे उनका एक दिन जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए एफर्ट डाला है, मेहनत की है कि हाँ अब ये चीज़ ठीक हो जाए। ठीक है, तो वो एक दिन ठीक हो जाएगा और एक लग्जरियस अच्छी लाइफ जो है जिएंगे। ठीक है, और अच्छी लाइफ जीने के साथ साथ अगर बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारा काम को, बहुत सारे स्किल सीख लिए, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है, तो उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी सेपरेशन मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी भी उन पर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे इंसान बड़ा होता है, फॉर हम बच्चे होते हैं तो हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हमारा पढ़ाई भी बढ़ते जाता है, फिर पढ़ाई करते हैं तो जॉब करते हैं, जॉब करते हैं तो बहुत सारा जिम्मेदारी आता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो फिर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ते जाती है। तो उस तरह से ही है कि पहले जो है अभी उनको किसी बात को लेकर गिल्ट है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पेशेंस रखा है, ठीक है, उस चीज़ के लिए एफ़र्ट डाली है कि हाँ ये गलती हुई तो उसको सुधारना है, एफ़र्ट डाला है उन्होंने और पेशेंस रखा है कि अब ये चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा और उनका बिजनेस हो या फिर कुछ भी हो, काम उनका बहुत आगे बढ़ जाएगा और एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे, उसके साथ साथ उनका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे बता रहा है फ्यूचर कि वो अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट, बहुत बड़ा, बड़े पैमाने पे देखना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देख रहा है, ये कार्ड जो है लव के लिए भी बहुत रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, कि हो सकता है उनके लाइफ में आप आओगे, मतलब कोई लव वन आने वाला है उनके लाइफ में, बहुत प्यार करने वाला इंसान। तो फ्यूचर को, उनका फ्यूचर को देखने का नज़रिया ये है कि कोई उनके लाइफ में वैसा इंसान आए जो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, प्यार करे, वो जो भी काम करे उस पर केयर करे, अगर कुछ गलत करते हैं तो वो भी समझाए कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्यूचर से तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, या फिर उनके लाइफ में कोई बहुत ही जल्द आने वाला है, मतलब आप दोनों बहुत ही जल्द मिलने वाले हो। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो आपके लाइफ पार्टनर है वो आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो, अगर आप अभी नहीं मिले हो तो वो बहुत जल्द आने वाले हैं, और कहाँ के होंगे वो भी हम चीट्स के थ्रू देखेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं डिवाइन साइड। डिवाइन साइड, सेट द डिवाइन इन एवरीवन, ऐसा दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत हेल्पफुल इंसान है, और हेल्पफुल इंसान है साथ साथ बहुत लोगों को हेल्प करते भी है और हेल्प करना चाहते भी हैं। अगर वो बहुत सारा चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, बहुत अर्न करेंगे, तो लोगों की हेल्प भी करेंगे। साथ साथ मुझे इससे ये भी दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है टीम वर्क में काम करने वाले हैं, टीम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस नहीं ले लो तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर टीम वर्क उनका होता होगा, काम करते होंगे। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे है मूविंग। तो मूविंग से यहाँ पे मुझे दिख रहा है चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। इससे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर का जो है आगे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएगी। हो सकता है वो उनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने, हो सकता है आपकी शादी हो जाए उनके बाद आपको बहुत सारे वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बी रेडी रहो, आप जो है आपके जो लाइफ पार्टनर है वो जो है बहुत जगह ट्रैवल करेंगे वर्ल्ड में। ठीक है, तो हो सकता है लाइफ आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करो वर्ल्ड ट्रैवल। ठीक है, तो यहाँ पे थी सारा जो भी करेंट सिचुएशन आपके फ्यूचर स्पाउस का चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर है कि यू वो जो आपके जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, टीम वर्क में मतलब हो सकता है कि आपके फैमिली से भी मिले, ठीक है, शादी के लिए, और हो सकता है आपको कहीं बाहर लेकर चले जाए, हो सकता है कहीं बाहर कंट्री के होंगे, बाहर स्टेट के होंगे। ठीक है, और काम के सिलसिले में भी हो सकता है कि वो बाहर जाना पड़े उनको, तो आपको लेकर साथ में जाए शादी के बाद। तो ये था इनका करंट सिचुएशन। अब देखते हैं आपकी लव बाउंडिंग उनके साथ कैसी होगी। ओके, सो पाइलवन, चलिए यहाँ पे हम आपके कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं कि आपकी लव बाउंडिंग कैसी रहेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ओके, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, कि कैसी लव बाउंडिंग रहेगी।
उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ. प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी. चलिए कार्ड सेलेक्ट करते हैं. लव, वाओ नाइस कार्ड. फीलिंग अलोन, टिच, ओके. एक लास्ट कार्ड और लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका जो पहला कार्ड आया लव, इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो लव बाउंडिंग होगा, रिलेशन होगा आफ्टर मैरिज, वो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से ट्रूली लव करोगे, बहुत ज़्यादा प्यार करोगे और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे हर चीज़ में. अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं तो वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, और उनके कुछ ड्रीम्स होगी तो आप भी उनको पूरी तरह सपोर्ट करोगे, ऐसा दिख रहा है. और दोनों ही साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, वर्ल्ड ट्रैवल करोगे. आप दोनों की फैमिली भी आपके रिलेशन को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ऐसा मुझे इस कार्ड के थ्रू पता चल रहा है. ठीक है, और आपका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही आगे जाएगा, बहुत ही कुछ आप दोनों इस रिलेशन में, फैमिली में, जो आपकी फैमिली बनेगी, बहुत ही कुछ आप लोग अचीव करोगे. ठीक है, बस सिंपल सी फैमिली बन के नहीं रह जाएगी, आप लोग अपने ड्रीम्स को भी कंप्लीट करोगे. ठीक है, आप दोनों का नाम एक दूसरे से जुड़ जाएगा, जैसे आपका नाम लिया जाएगा तो उनका नाम याद आएगा लोगों को, इस तरह का कुछ होगा. ठीक है, तो आप दोनों मिलकर बहुत कुछ करोगे, ऐसा दिख रहा है. आपकी जो बाउंडिंग होगी रिलेशन की, शादी की, आफ्टर मैरिज, बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही स्ट्रांग होगी. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आपका दूसरा कार्ड आया है फीलिंग अलोन. फीलिंग अलोन से ऐसा मुझे दिख रहा है कि मे बी आगे लाइफ में कभी उनको किसी चीज़ को, किसी बात को लेकर, जैसे काम को लेकर ही डिप्रेशन हो, परेशानी हो, तो आपको ज़रूरत होगी उस टाइम में, वो बहुत हार्ड सिचुएशन, हार्ड टाइम होगा, तो आपको ज़रूरत होगी कि आप बिल्कुल पूरी तरह उनको सपोर्ट करना उस टाइम पर. ठीक है, पूरी तरह. और कभी आप परेशान होगे, अकेला फील करोगे. अकेला फील करने का मतलब है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, परेशान हो गए हो, तो वो बिल्कुल आपको पूरी तरह प्यार करेंगे, प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे. जैसा कि आप इसमें देखा आपने, आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो आपको पूरी तरह जो है सपोर्ट उनके फैमिली से भी मिलेगा और उनसे भी आपको पूरी तरह सपोर्ट मिलने वाला है. ओके, और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी वो पूरी तरह मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे. ठीक है, ऐसा कभी आपको फील नहीं होने देंगे कि आप अकेले हो. साथ साथ उनकी फैमिली भी आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी, आपको टाइम पे खाना खिलाएगी, टाइम पे ये देगी, एक्सरसाइज करवाएगी. और अगर ऐसा उनके साथ होता तो आप भी बिल्कुल उनकी, उनका सपोर्ट करना, उनका ख्याल रखना, अच्छी तरह प्यार देना. ठीक है, और कुछ ऐसा चिड़चिड़ापन लगे तो भी आप सपोर्ट करना, उनको एक्सरसाइज करवाना. ठीक है, अच्छा खाना खाना, ये चीज़ मुझे इन सारी चीज़ों से दिखाई दे रहा है. आगे देखते हैं आपका जो कार्ड है टिच, वो क्या कह रही है. सो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं टिच कार्ड पाइलवन, तो ये यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मैसेज दे रही है कि आपके जो पार्टनर होंगे, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा, आपसे मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, हाईली क्वालिफाइड, पढ़े लिखे होंगे. ठीक है, तो हो सकता है वो आपको पढ़ाए, समझाए, बहुत सारी चीज़ें आप उनसे सीखने को आपको मिले. ठीक है, साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशन में, ठीक है, आप जब कि आपकी शादी हो जाएगी तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उनकी फैमिली से, उनसे, सोसाइटी से. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है, और उनको भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपसे सीखने को मिलेगी. ठीक है, तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है सीखने को. साथ साथ अगर आपकी कोई एम होगी, यहाँ पे इस ये कार्ड जो है लर्निंग और टीचिंग दोनों चीज़ को ही शो कर रहा है. ठीक है, हो सकता है इस रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा लाइक सॉरो, दुख देखने को मिलेगा, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. ठीक है, अगर हैप्पीनेस मिलेगा तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. ये तो मैं नहीं कह सकती कि आपको सिर्फ हैप्पीनेस ही मिलेगा, क्योंकि लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ हैप्पीनेस मिले. ठीक है, कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं होता, टेम्प्रोरी होता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है. ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा. तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, हो सकता है दुख आए तो उससे बहुत चीज़ सीखने को मिले, खुशी आएगी तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और आपके जो पार्टनर होंगे एज अ टीचर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड होंगे. ठीक है, ये भी मुझे पता चल रहा है. आप बहुत कुछ सीखोगे, आप भी उनको बहुत कुछ सिखाओगे, उनकी फैमिली से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है,
तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही आपका अच्छा रिलेशन होगा, बॉन्डिंग, लव बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, वेल डिजर्व रिवॉर्ड। और बेस चक्र क्या कह रही है वो भी देख लेते हैं। सो गाइज, आपकी जो यहाँ पे दो कार्ड आई है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड और बेस चक्र। बेस चक्र जो है आपकी बता रही है वो रूट चक्र होती है, ठीक है। और वेल डिजर्व रिवॉर्ड यहाँ पर बोल रही है कि आपके लाइफ में बहुत ही जल्द जो है आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर जो है आप उनसे मिलने वाले हो, ठीक है। अगर अगर रिलेशन में ऑलरेडी हो तो आपका जो रिलेशनशिप का जो बेस है, रूट है, वो बहुत ही ज़्यादा लविंग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है आपका जो। और अगर आप रिलेशनशिप में आते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपका जो है लाइफ बिल्कुल यहाँ पे पूरी तरह चेंज होने वाला है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में आने वाले हो तो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है सिंगल लाइफ। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये जो आपका रिलेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लव कार्ड आ ही चुका है। सो आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होगा, बाउंड, साथ साथ उसमें एक ट्रू लव भी होगा, और इसलिए मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, ठीक है। ज़रूरत है कि आपको अपने रिलेशन को अच्छे से निभाने की। और एक चीज़ कि आपका जो रिलेशन होगा उसके जो बेस होगा उसको, जैसे स्टार्टिंग फेज होगा तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से निभाते चलना, तभी आगे का चीज़ भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल उस चीज़ में सच्चाई होनी चाहिए, आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट्स होगी तो वो भी आप क्लियर करना सामने वाले से पूछ कर, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जो रिलेशन है वो बिल्कुल क्या हो, बाउंड स्ट्रांग रहे, ठीक है। क्योंकि कोई भी झूठ होगा तो फिर आपका रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए आपको अपने रिलेशन को अच्छा रखने के लिए सच्चाई का साथ देना होगा, सच्चाई से ही सारे कुछ आगे बढ़ाना होगा, अपने रिलेशन के रूट को बहुत स्ट्रांग रखना होगा, ओके। और आपका लाइफ जो है, अगर वो आने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल एकदम दिख रहा है कि वो जल्द ही आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है, आपका रिलेशन बनने वाला है, तो बिल्कुल अपने रिलेशन को अच्छे तरीके से निभाना। तो ये थी आपकी बाउंडिंग। बाउंडिंग तो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी होने वाली है बाउंडिंग, ठीक है। बहुत सपोर्टिव होंगे, कभी उनके फैमिली भी आपको अकेला फील नहीं देंगे, फैमिली से भी उनका प्यार मिलेगा आपको, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और जो बाउंड प्यार होगा, बाउंडिंग, वो बहुत स्ट्रांग होगा। सो इसके लिए आपको कंग्रेचुलेशन। और अब हम देखते हैं कार्ड सम चीफ्स के थ्रू कि क्या, कहाँ से होंगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये भी देख लेती हूँ कि कब हो सकती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 और 5, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 5 मंथ्स हो सकते हैं, 5 मंथ्स बाद आप लोग मिले, ठीक है, 5 मंथ्स बाद आप रिलेशन में आए, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। फिर यहाँ 1 ईयर, तो हो सकता है 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर के बाद आपकी शादी हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 5 मंथ्स बाद आप मिले। और भी हम देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू, शायद पता चल सके। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि कब शादी हो सकती है मेरे व्यूअर्स की। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। वन, ऑल राइट, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ऐसा दिख रहा है 1 ईयर, 14, 1 ईयर, ओके, 14 मंथ्स, लगभग वैसे ही है, ऑलमोस्ट 11 मंथ, ओके, और देखते हैं 4, हो सकता है कि 4 वीक बाद आपसे वो मिले, ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं, 4 अगेन 4, वाओ। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 4 मंथ्स बाद, हो सकता है मंथ के बाद अब वो आपसे मिलेंगे, और अगर वो रेडी होंगे पूरी तरह, मतलब वो उनके पास सब कुछ होगा, तो हो सकता है आपको प्रपोज कर दे फॉर मैरिज। तो हो सकता है 1 ईयर या 14 मंथ्स के अंदर आपकी शादी भी हो सकती है, हो जाए, ओके, अगर आप लोग पूरी तरह दोनों तरफ से तैयार हो तो, ओके। तो ये था, अब हम चीट्स के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। फाइवन, अब हम देखेंगे सबसे पहले कि वो किस जगह से हो सकते हैं, मतलब किस कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए कि वो कहाँ से हो सकते हैं। इसमें कंट्री है और कुछ स्टेट्स भी मिक्स है, ओके। सो मैं चूज़ करती हूँ क्यूबा, ओके, क्यूबा से, कंट्री से हो सकते हैं। आगे देखते हैं आसाम, जो कि इंडिया में है, ओके, okay.
सेम कंट्री, अगर आप इंडिया से हो तो हो सकता है इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान से होंगे, ठीक है, कनाडा से हो तो कनाडा से होंगे, गुजरात हो सकता है गुजरात स्टेट से हो, और एक देखते हैं और जॉर्डन, जॉर्डन कंट्री से हो सकते हैं, एक लास्ट और देख लेते हैं जर्मनी, ओके, तो हो सकता है कि जर्मनी से हो। तो यहाँ पे कुछ स्टेट भी आया है और कुछ कंट्री भी आया है, लाइक क्यूबा, जॉर्डन, जर्मनी और गुजरात, ठीक है, आसाम, तो ये इन सारी जगह से हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं, देखते हैं क्लोज प्लेस, मतलब लाइक मूवी, कैफ़े, ठीक है, या फिर कहीं मैरिज में या फिर शादी में, फेयर में, मेले में कहाँ मिल सकते हैं, ये दो कार्ड्स आए हैं, ये तीनों देख लेते हैं। फ्रेंड्स के बीच में जब आप फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, गैदरिंग करते हो, तो हो सकता है मिले, हो सकता है कि चर्च में मिले आप, हो सकता है कि टेंपल में मिले, मतलब ऐसा दिख रहा है होली प्लेस पे ज़्यादा, चर्च टेंपल है ना। देखते हैं और भी, सिनेमा में हो सकता है मिल सकते हो आप, वेट, सिनेमा में मिल सकते हो, और देखते हैं जिम में, ये तो काफ़ी क्लोज हो गया, ठीक है, जिम में भी मिल सकते हो, लाइब्रेरी में, ओह सबसे प्यारा प्लेस लाइब्रेरी में मिल सकते हो, लाइक ओल्ड मूवी, पुलिस स्टेशन हो सकता है कि ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं उस तरह से हो सकता है, पुलिस स्टेशन में मिल सकते हो। एक लास्ट है डिस्को, ओके, डिस्को में भी मिल सकते हो, जिम, सिनेमा, टेंपल, फ्रेंड्स के बीच में, चर्च, लाइब्रेरी, पुलिस स्टेशन, डिस्को, तो इन सारी जगहों पे आप मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस, लाइफ पार्टनर से, ठीक है। सो पाइल वन, अब हम देखते हैं कि उनका लुक्स कैसा होगा, ठीक है, वो देखने में कैसे होंगे। सो प्लीज़ एंजल बताइए कि मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस लुक वाइज कैसे होंगे, चलिए निकालते हैं। फेयर कलर, फेयर आया है, फेयर होंगे, डार्क, वाओ, मतलब फेयर और डार्क दोनों ही आया है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रे हेयर होगा उनका, ओके, वेल डार्क हो या फेयर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कलर का, ऐसा होना भी नहीं चाहिए मेरी सोच। आगे देखते हैं लाइट, और देखते हैं, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, क्रूप्ड लिप, ओके, चलिए और भी देख लेते हैं, शॉर्ट, पॉइंटेड नोज, और एक लास्ट वन देखते हैं, फिट, वाओ, फिट होंगे, ओके, पूरी तरह। सो गाइज, अब हम देख लेते हैं उनका नेचर कैसा होगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, चलिए देखते हैं। एथलेटिक होंगे, हो सकता, आउटस्पोकन, ओके, और भी देखते हैं, क्लेवर, दैट्स गुड, होना भी चाहिए इंसान को, फिल्म, ओके, एक लास्ट देख लेते हैं, हम्बल, ये तो होना ही था, अच्छे होंगे नेचर के, हम्बल होंगे, काइंड होंगे, ओके। सो अब हम देखेंगे लास्ट कि कितने मंथ्स में, कितने ईयर में आप मिल सकते हो उनसे, ठीक है। सो गाइज, एट लास्ट हम ये देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पॉस है वो आपसे कितने मंथ्स, कितने ईयर, कितने वीक के अंदर मिल सकते हैं, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, और मुझे एक्यूरेट मैसेज बताइए फॉर माई व्यूअर्स, ओके, देखते हैं। 9 मंथ्स के अंदर आप मिल सकते हो उनसे, ओके, 7 वीक के अंदर, ओके, एक और देखते हैं, 2 मंथ्स, चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं, इट्स सो इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई, नेक्स्ट ईयर मिलोगे, ओके, नेक्स्ट ईयर। सो ये था पाइल वन की रीडिंग, अब हम चलते हैं पाइल टू की रीडिंग पे, लेकिन पाइल टू की रीडिंग पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम और जीमेल दे रखा है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके।
हेलो फाइल टू, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, आप कभी भी देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। कोई भी जेंडर वाले देखो, कोई भी मैरिज वाले देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, और बिल्कुल पॉजिटिव वे में देखना, ओके। चलिए पहले हम देख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी कार्ड से सेलेक्ट करते हैं कि कैसा होगा आपका फ्यूचर पार्टनर का नेचर, सिचुएशन, करंट सिचुएशन, और उनका जोडियक साइन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, चलिए कार्ड सेलेक्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर लाइफ पार्टनर के लिए। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट फर्स्ट, ओके, सेकेंड वन इज ओके। अब हम जोडियक साइन देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, क्या जोडियक साइन हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, ओके। इसके थ्रू हमें ये भी पता चल जाएगा कि उनका नेचर कैसा होगा, ओके। सो लिब्रा, एक और लेते हैं एरिस, ओके। अब हम देख लेते हैं प्लैनेट कार्ड्स के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी कार्ड ही है ये भी, कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी। सो फर्स्ट वन द सन, नाइस, वेस्टा, ओके। सो ये सारे कार्ड्स आए हैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन, क्या एक्सप्लेनेशन है सारे कार्ड्स के फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। सो पाइल टू, अब हम यहाँ देखते हैं लिब्रा। दिस एनर्जी इज डिप्लोमैटिक एंड ग्रेसिस, इट्स सीक हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस का लिब्रा जोडियक साइन होता है, या फिर आपका हो सकता है ये जोडियक साइन, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताता है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। अगर आपके साथ रिलेशन में आएंगे तो उनका प्यार जो होगा वो ट्रू लव होगा, ठीक है, वो सच्चा प्यार करने वाले होंगे, अपने रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले इंसान होंगे ऐसे इंसान, ठीक है। और साथ साथ सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि अपने फैमिली के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है, एक बहुत ही बेहतर, अच्छा रिलेशन बैलेंस बना के चलते होंगे, ठीक है। रिलेशन को फैमिली का हो, या फिर प्यार का हो, या फिर स्पेशली रिलेशन लव वंस के साथ दिखा रहा है, मतलब आप जैसे आपके साथ वो मिलते हैं तो आपके साथ दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, ये भी दिख रहा है, ठीक है। लाइक रोजेस देना, कैंडल लाइट डिनर करना, टाइम स्पेंड करना साथ, उनको ये सारा चीज़ बहुत पसंद होगा, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत शांत इंसान होंगे, उनमें पेशेंस बहुत होगा, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि कभी कुछ चीज़ अचीव करने में, लाइक रिलेशनशिप में कुछ चीज़ अचीव करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो वो भी बहुत अच्छे से उस चीज़ को वो बैलेंस करके सारा कुछ अचीव करेंगे, ठीक है, और सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करके भी वो आगे बढ़ेंगे। कभी भी रिलेशन में आपका साथ वो नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है, हमेशा साथ रहेंगे। सो अगर ये जो है आपके लाइफ में है, या फिर आपके लाइफ में आते हैं, तो आप हमेशा उनका साथ देना, उनको छोड़ना मत, ठीक है, हमेशा साथ रहना, क्योंकि ये जो है बिल्कुल परफेक्ट होंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह आपको सपोर्ट करेंगे, पूरी तरह प्यार देंगे, ठीक है, ट्रू लव होगा इनका, ट्रू रिलेशनशिप होगा। सो बिल्कुल अच्छी तरह बैलेंस बना के रिलेशन में चलेंगे, ठीक है। और इनका जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशन होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा, प्यारा होगा, बिल्कुल उसमें भी बैलेंस होगा, लोग इनको पसंद करते होंगे, ठीक है, प्यार करते होंगे। अगर एरीज आता है, ठीक है, द एनर्जी अराउंड यू इज़ डायनेमिक एंड स्पॉन्टेनियस। देखिए, अगर एरीज आता है तो आपके जो लाइफ पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो बिल्कुल उनका नेचर क्या होगा, एक लीडरशिप वाला होगा, लीडरशिप वाली क्वालिटी उनमें होगी, ठीक है, जहाँ भी होंगे, जिस भी पोजीशन में होंगे, वहाँ पे सबसे आगे होंगे, ठीक है, एक शोल्डर की तरह, एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तलवार है सॉर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते होंगे लाइफ में, और लोगों की सुनते होंगे, समझदार इंसान भी होंगे, लेकिन करते होंगे अपने मन की, क्योंकि इनको अपने ऊपर पूरी तरह कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, क्योंकि ये समझदार भी बहुत ज़्यादा होंगे, लोगों की सलाह की उतनी इसको, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ठीक है। तो बाय द वे, अगर एरिस आता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान होंगे, ठीक है, इसमें भी ये दिखा रहा है कि अच्छे इंसान होंगे, ठीक है, समझदार होंगे, सारी चीज़ को बैलेंस वही इंसान लोग करके चल सकता है,
जो कि जिनको सारा कुछ समझ में आता हो, ठीक है, सारी बातें समझ में आती हो, वही इंसान जो है सारी चीज़ बैलेंस करके चल सकता है। और अगर एरिस आता है तो ये बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के इंसान होंगे, एक सोल्डर की तरह, ठीक है, सारे लोगों को हैंडल करते होंगे, लाइक फैमिली को पूरी तरह हैंडल करके चलते होंगे, खर्च देना हो सकता है, ठीक है, और जहाँ भी होंगे लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी, सबसे आगे होंगे, डोमिनेंट होंगे, ठीक है। अब हाउसेस क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पाइलवन यहाँ पे आप दो कार्ड्स देख रहे हैं, द फर्स्ट हाउस एंड द सेकेंड हाउस, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे उनके पर्सनैलिटी को दर्शा रही है, ठीक है, दोनों ही कार्ड्स उनके पर्सनैलिटी को बता रही है, ठीक है, कि उन अपने ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते होंगे, ठीक है, पैसे के ऊपर ध्यान देना, कैसे पैसा कमाना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, अपने काम के ऊपर फोकस करना, बहुत ज़्यादा फोकस करते होंगे, ठीक है, ध्यान देते होंगे। दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनके लाइफ में, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ हो सकता है उनका रिलेशन शुरू हो गया हो, ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों अभी ही रिलेशनशिप में आए हो, ठीक है, और ज़रूरत है कि उनको अपने रिलेशन को अच्छे से चलाने की, हो सकता है कि वो उन आप पे इम्प्रेशन दिखाने के लिए, इम्प्रेशन जमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करते होंगे, फोकस करते होंगे अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, और पैसा कैसे कमाना है, काम कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इन सारी चीज़ों पे भी वो ध्यान देते होंगे, ठीक है, और लोगों पे कैसा इम्प्रेशन पड़ेगा, कैसा नहीं पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पे भी वो बहुत ध्यान देते होंगे, इसलिए अपने अपने आप को बहुत अच्छा बना कर रखते होंगे, फोकस करते होंगे, ठीक है, अंदर से अच्छा बना के रखते होंगे, मतलब जैसे हैं वो वैसा ही दिखाते होंगे, और उन सारी चीज़ में अगर कोई कमी होगी तो उन सारी चीज़ों को वो सुधारते होंगे, ठीक है, और अपने काम के ऊपर भी बहुत फोकस करते होंगे। आगे हम देखते हैं द सन और वेस्ता क्या कहती है। सन कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो बिल्कुल जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ठीक है, प्राइड प्राउड फील करते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा बहुत ईगो भी होगा उनमें, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे, प्राइड की बहुत, मतलब अपने आप को वैसा बना के रखा है उसने, ठीक है, कि वैसा वो फील कर सके, और थोड़ी बहुत ईगो भी मुझे ऐसा दिख रही है। और साथ साथ यहाँ पे दिख रहा है कि उनका जो स्पिरिट होगा वो बहुत क्या होगा, परफेक्ट होगा और पावरफुल भी होगा, ठीक है, जो चाहते होंगे, जो चीज़ ठान लेते होंगे कि ये करना है तो वो करते होंगे, ठीक है। और मैंने बताया कि उनकी जो पर्सनैलिटी होगी ना वो बहुत स्ट्रांग होगी, अगर बाय द वे एरिस आता है तो वो बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाले होंगे, और ऐसा दिख रहा है कि वो मतलब अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई उनका साथ छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है, धोखा करता है, तो वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल सकते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी वाइज दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे विस्तार से मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एक गॉडेस है, ठीक है, यहाँ पे ये बता रही है कि एक स्केयर स्प्रिट भी है आपकी, आपके जो फ्यूचर स्पॉस होंगे वो स्केयर स्प्रिट भी है, एक परफेक्ट स्प्रिट भी है और पावरफुल भी है, ठीक है, लाइक एरीज मैंने बताया, बहुत ज़्यादा ब्राइट उनका फ्यूचर ब्राइट है, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा लगता सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, आपके जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत ही आपसे मिलेंगे जल्द, लेकिन जिस तरह से वो मतलब पावरफुल है तो उस तरह से वो अच्छे भी इंसान है, ठीक है, साथ साथ इससे मुझे ये पता चल रहा है क्योंकि लोगों की ये हेल्प करते हैं, ठीक है, साथ साथ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना, इन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले इंसान हैं, इस कार्ड के थ्रू मुझे ये पता चल रहा है, ठीक है, और लोगों की हेल्प करना, ठीक है, ये भी उनका एक अच्छा आदत है। तो यहाँ पे ये पता चला है कि एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के साथ साथ एक अच्छे हम्बल इंसान भी है, जो लोगों की मदद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने दिमाग को शांत रखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट सोचते हैं, उनके थॉट बहुत पावरफुल है, ठीक है, और जो कुछ भी ठानते हैं करने के लिए वो करते हैं, आगे लाइफ में बढ़ते हैं, और एक सक्सेसफुल पर्सन दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर फ्यूचर स्पॉट होंगे वो बहुत सक्सेसफुल पर्सन होंगे, इनके पास पैसा होगा, ठीक है, पैसा भी होगा और अपने ऊपर बहुत अपनी अपनी केयर बहुत करते होंगे, ठीक है, और लोगों पे इम्प्रेशन कैसा, उनका इम्प्रेशन जम रहा है नहीं जम रहा है वो भी वो बहुत फोकस करते होंगे, क्योंकि ये मतलब मैंने आपको बताया कि ईगो की बात है ना, तो वो सोचते होंगे इन सारी चीज़ों पे कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, ठीक है,
बिल्कुल सन की तरह वो पावरफुल है, उनका पर्सनालिटी और मेडिटेशन योगा में भी इन्वॉल्व है, साथ साथ लोगों की मदद भी करते हैं, पैसे वाले भी हैं, पैसा भी है उनके पास, एक अच्छे इंसान प्यार करने वाले ट्रू इंसान भी है, जो कि अपने रिलेशनशिप में जिसके साथ भी रिलेशन हो, जैसे फैमिली के साथ हो, मम्मी पापा भाई बहन, उनके साथ एक रिलेशन बैलेंस बना के चलते हैं, एक शोल्डर की तरह है, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट इंसान ऐसा दिख रहा है इन सारी कार्ड्स के थ्रू। आगे हम देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा कि उनका करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, फिर हम बाउंडिंग भी देखेंगे, ओके, और फिर ये देखेंगे कि कब आपकी शादी हो सकती है उनसे, और चीट्स के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ओके। सो पाइल टू, अब हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पॉस का करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, बताइए कि मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पॉस के लाइफ करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, ओके। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ यूनिकॉर्न, हेल्प मी, गाइड मी। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं। योर फर्स्ट कार्ड विजडम, दैट्स ग्रेट, डिवाइन साइट, मदर मैरी। एक लास्ट कार्ड लेते हैं, प्रॉस्पेरिटी, ओके, प्रॉस्पेरिटी। सो और भी कार्ड्स लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए मैसेज। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, कैसा करेंट सिचुएशन चल रहा है मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पॉस का। ओके, एक लास्ट कार्ड और लेते हैं, करेज, ओके। सो लेट्स सी ये सारे कार्ड क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पॉइंट टू, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पहला कार्ड आया है विजडम, जिससे हम जानेंगे करेंट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ पार्टनर, कि एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यहाँ पे ये पता चला है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो बिल्कुल पूरी तरह विजडम से जो भी काम करते होंगे बिल्कुल ऑनेस्टी विजडम, ठीक है, और सबको देखते हुए सब कि कैसे लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनका सिचुएशन कैसा है, और लोगों की मदद भी करते होंगे, तो बिल्कुल विजडम की तरह अपने काम को करते होंगे, और इससे क्या होता होगा, पीपल जो है उनकी रिस्पेक्ट भी करते होंगे, ठीक है, लोगों को देखते हुए चलते होंगे। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी वो काम कर रहे हैं तो वो डोमिनेंटली काम कर रहे हैं, सबसे आगे है, ठीक है, जहाँ भी वो काम करते होंगे वो लीडर होंगे वहाँ के, तो लोग उसके उनके अंडर में काम करते होंगे, तो देखते होंगे कि लोगों की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो चीज़ भी देखते होंगे, मतलब लोगों के प्रति वो बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं ट्रीट करते होंगे कि आई एम अ बॉस, कि मैं बॉस हूँ और तुम लोग सब मेरे अंडर काम करने वाले, वैसे इंसान नहीं होंगे, ठीक है, ये लोगों को देखते हुए चलते होंगे कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मतलब डोमिनेंट सबसे आगे तो होंगे, लीडर तो होंगे, लेकिन सबको साथ लेकर चलते होंगे, सबकी हेल्प करते होंगे, ठीक है, और इस वजह से लोग जो है उनको क्या करते होंगे, उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, ठीक है, लोग उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, उनको रिस्पेक्ट मिलता होगा, और इससे ये भी पता चला है कि उनका काम जो है बहुत अच्छा चल रहा है, लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सारा कुछ उनकी लाइफ में भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, इससे तो ये पता चल रहा है मुझे। आगे हम देखते हैं डिवाइन साइट, डिवाइन साइट सेट द डिवाइन इन एवरी वन, ऐसा बिल्कुल क्लियर लग रहा है, पता चल रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो एक टीम वर्क करते हैं, टीम में काम करते हैं, ठीक है, अकेले काम नहीं करते हैं, टीम है उनका और एक टीम में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे हो सकता है वो मेन हो, हेड हो, ठीक, और साथ साथ ये भी पता चल रहा है, सेम मैसेज उस कार्ड से जो मैसेज आ रहा है, सेम मैसेज आ रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपके लाइफ पार्टनर है वो लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, ठीक है, सबको देखते हुए चलते हैं और लोग उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिकॉर्न उनसे ये भी कहते हैं कि आप अपने काम को बिल्कुल विजडम से करिए और लोगों की मदद भी करिए, अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो भगवान भी आपके साथ हमेशा अच्छा करेगा, ठीक है, आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल इससे क्लियर ये पता चल रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो एक टीम वर्क करते हैं और लोगों को ध्यान भी रखते हैं, जो नीडी पर्सन होते हैं उन लोगों को हेल्प करते हैं, उन लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं, ओके, ड्रेस देते हैं, मतलब जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है उनको उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, एक अच्छे पर्सन है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान भी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं मदर मैरी, मदर मैरी क्या बोल रही है, मदर मैरी
एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे मदर मैरी जो है गॉडेस और यूनिकॉर्न खुलकर जो है ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर को. आपका लाइफ पार्टनर का करंट सिचुएशन जो है ना वो बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ उनके पास है, उनका काम अच्छा चल रहा है, उनका लाइफ अच्छा चल रहा है, लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोगों से प्यार मिल रहा है, ठीक है. और साथ साथ ब्लेसिंग किस चीज़ की ब्लेसिंग मिल रही है, इससे ये पता चल रहा है कि उनका सारा कुछ तो अच्छा चलेगा ही. मदर मैरी जो गॉडेस है यूनिकॉर्न पूरी तरह ये तो दे रही है ब्लेसिंग सारे चीज़ के लिए, साथ साथ ये भी ब्लेसिंग दे रही है. इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ में और हो सकता है कि आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिकॉर्न और मदर मैरी ब्लेसिंग दे रही है कि आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हो. प्यार के लिए उन्होंने ब्लेसिंग दिया है, गॉडेस ने ब्लेसिंग दिया है आपके लाइफ पार्टनर को. हो सकता है वो मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने पहले बताया था कि वो इन सारी चीज़ में बिलीव रखते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीज़ों में. तो हो सकता है वो अपने एक, उनके पास सब कुछ तो है, तो हो सकता है एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए उन्होंने मैनिफेस्ट किया हो, मैनिफेस्ट करते हो, मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज तो ये मैंने बताया था, ठीक है, और वो पक्का मैनिफेस्ट कर रहे हैं. इसलिए मदर मैरी ने और यूनिकॉर्न ने उन्हें ब्लेस किया है लव से, उन्हें उनके लाइफ में जल्दी ही एक ट्रू लव पार्टनर मिलने वाला है जो कि आप होंगे. ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोस्पेरिटी. ओके, सो प्रोस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट. सो यहाँ पे क्लियरली मैसेज यहाँ पे प्रोस्पेरिटी के लिए दिया जा रहा है कि प्रोस्पेरिटी क्या होता है, मतलब कि लाइफ में सब कुछ. यहाँ पे आप देखो कार्ड में कि एक जो है डब्बा और उसको खोला हुआ है, उसमें पूरी सोने चांदी से भरी हुई है. यूनिकॉर्न देख रही है और एक बच्ची जो है बैठ के खुश होकर देख रही है, मतलब उनके लाइफ में सब कुछ उनको मिलने वाला है, एवरीथिंग, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, ठीक. सो यहाँ पे दिख रहा है कि पूरी तरह बस खुल के उसको रिसीव करने की ज़रूरत है. यूनिकॉर्न ये मैसेज दे रही है और मदर मैरी बिल्कुल तरह ब्लेस कर चुकी है, मतलब आपके जो फ्यूचर पार्टनर है उनका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, उनको किसी चीज़ की भी कमी नहीं, उनका करंट सिचुएशन बहुत बेहतर है, ठीक है. मतलब यहाँ पे उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, हमने पहले भी देखा कि उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, अभी भी इस कार्ड से क्लियर मैसेज देख रहे हैं कि उनकी कोई भी पैसे की कमी या किसी चीज़ की भी कमी नहीं है. एक मैनिफेस्टेशन के थ्रू जो ट्रू लव चाहते थे वो भी मिलने वाला है जल्दी ही, आप दोनों एक दूसरे से क्या होने वाले हो, मिलने वाले हो. सो विजडम, डिवाइन साइट, मदर मैरी, प्रोस्पेरिटी, एवरीथिंग, सब कुछ उनके पास है, ठीक है. लोगों से उनको प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, बिल्कुल अच्छी तरह ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हैं. मदर मैरी और यूनिकॉर्न उनको ब्लेस भी की है कि उनको सारा कुछ मिलेगा लाइफ में, मैनिफेस्टेशन के थ्रू वो मैनिफेस्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, प्रोस्पेरिटी और उनको पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी, ठीक है. मैंने आपको भी पहले भी बताया, पहले कार्ड्स के थ्रू भी बताया, एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उन वो जो बहुत बहुत रिच होंगे, उनके पैसे की कमी नहीं होगी, अपने ऊपर वो बहुत काम करते होंगे, ठीक है. सो फाइल टू, यहाँ पे जो आपके तीन कार्ड्स आए, कंपैरिजन, टर्निंग इन और करेज, ये तीनों बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं. यहाँ पे कंपैरिजन, तो आपके जो लाइफ पार्टनर है, जैसा कि मैंने बता दिया, उनको सब कुछ मिल चुका है लाइफ में, ठीक है, तो और उनका लाइफ अभी बहुत अच्छा चल रहा है. सो वो सोचते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने लाइफ को ही, जैसे अभी का जो करंट सिचुएशन है और जो पहले का सिचुएशन था, वो दोनों को कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि पहले क्या था लाइफ और अब क्या है, कि उनके पास सारा कुछ है, धन दौलत, एवरीथिंग, एंड और वो विश भी कर रहे हैं कि उनको विश किया है, मैनिफेस्ट कर लिया है और उन्हें सब कुछ मिलने वाला है, मतलब उन्हें ट्रू लव जल्दी ही आप लोग मिलने भी वाले हो. ये बहुत अच्छा न्यूज़ है आपके लिए. और कंपैरिजन से ये पता चला है कि वो अपने लाइफ को कंपेयर करके देख रहे हैं कि अभी क्या था, अभी क्या है और पहले क्या था, मतलब अब कितना अच्छा लाइफ चल रहा है उनका, ठीक है. अभी यहाँ पे देखते हैं टर्निंग इन, ठीक है. बहुत सारे लोग जो हैं उनके आगे पीछे उनकी बुराइयाँ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव पीपल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लेडी है जो शांति से स्माइल कर रही है, ठीक है. तो बहुत सारी सिचुएशन जो है ऐसी हार्ड सिचुएशन लोगों, ऐसे लोगों को, निगेटिव पीपल को फेस करते हैं, लेकिन फिर भी बस उन लोगों की बुरे एक्टिविटी को देखते हैं कि वो कैसे उनके अगेंस्ट जो है उल्टा सीधा काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, शांति से इन सारी चीज़ों को देखते हैं और हंस के निकल जाते हैं, उन सारी चीज़ों से मुंह नहीं लगाते, लगते नहीं हैं, ठीक है. क्योंकि अगर उन सारी चीज़ में पड़ जाएंगे तो फिर ये सब तो उनके पास रहेगा ही नहीं, छिन जाएगा, ठीक है. क्योंकि अगर अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इन लोगों के, निगेटिव लोगों के ऊपर फोकस करेंगे, तो फिर वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे ना. तो बस वो देखते हैं कि लोग कैसे कैसे लोग, निगेटिव पीपल भी होते हैं जो उनके पैर को खींचते हैं नीचे की ओर ताकि वो
आगे बढ़ ना सके। तो ऐसे लोग भी हैं उनके लाइफ में, निगेटिव पीपल जो ने उनकी बहुत बुराई करते हैं, बहुत बुरा चाहते हैं, लेकिन बस वो उनको देखते हैं, नोटिस करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, उन्हें वैल्यू नहीं देते। लास्ट करेज, करेज बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो बहुत करेजियस होंगे, ठीक है, आपको जो है हमेशा बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। और लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए हैं, बुरे सिचुएशन, जिसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह फेस किया है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान है, बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ा होकर सारे सिचुएशन को क्या किया है, फेस किया है, ठीक है, कभी अपने आप को झुकने नहीं दिया। और इनमें करेज बहुत है, बहुत करेजियस पर्सन है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ एक करेजियस पर्सन भी है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप, जितना भी मैंने अभी रीडिंग किया, इससे ये पता चला कि आपके जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत बहुत उन एक यूनिक पर्सनैलिटी है, ठीक है, सारा कुछ उनके पास है, ठीक है, अब बहुत जल्द मिलने वाले भी हो, मदर मैरी ने ब्लेस कर दिया है, ठीक है, और उनका लाइफ जो है अब बिल्कुल एकदम परफेक्ट अच्छा चल रहा है, सिचुएशन तो बहुत अच्छा है। अब हम देख लेते हैं आपकी लव बाउंडिंग कैसी रहेगी उनके साथ शादी के बाद। ओके, सो पाइल टू, अब हम देख लेते हैं कि कैसी रहेगी आपकी लव बाउंडिंग आफ्टर मैरिज, और देख लेते हैं कि कब तक होगी आपकी शादी उनसे, किस ईयर किस मंथ बाद आपकी शादी हो सकती है, कितने मंथ बाद, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कि उनकी शादी कब होगी, कितने दिन बाद मिल सकते हैं, कितने वीक बाद, और कैसा बाउंडिंग रहेगा। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कार्ड। सो पाइल टू, चलिए कार्ड्स हम ले लेते हैं। हील, ओके, फ्लो, मूव, वाओ, एंड लास्ट वन हम लेंगे। ओके, चलिए, तो इन सारे से हम समझते हैं, इन सारे कार्ड से, कि क्या बोल रही है आपके बाउंडिंग, लव बाउंडिंग के बारे में। ओके, पाइल टू, पहला आपका जो कार्ड आया है फॉर लव बाउंडिंग, हील, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आपकी कोई खिटपिट, लड़ाई झगड़ा आपके पार्टनर के साथ चल रही है, तो बिल्कुल ये क्लियर मैसेज दे रहा है, अच्छे मैसेज दे रहा है कि जितना भी प्रॉब्लम्स था, यहाँ पे आप देख रहे हो एक मैन है जो जंजीर उनका टूट गया, मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स है सारा प्रॉब्लम ख़त्म होगा और आपका रिलेशनशिप क्या होगा, हील करेगा, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, एक नए तरीके से शुरुआत होगी आपके रिलेशन की, उसमें एक शांति होगी, पीसफुल और पूरी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगी आपके रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर कोई भी बात है लाइक फ्यूचर को, पास्ट को लेकर अगर आप लोग झगड़ा करते हो या फिर कोई भी बात है, तो उन सारी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पास्ट में कुछ भी नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हम सबको पता है। तो इसलिए ज़रूरत है आप दोनों को कम्युनिकेट करने की, बात करने की, बात करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने की, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप की हीलिंग होगी ही होगी, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है और ये बाउंडिंग है, ठीक है, अगर आपकी झगड़ा या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे चल रहे हैं रिलेशन में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि रिलेशन में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, लेकिन उसकी हीलिंग अब हो जाएगी, ठीक है, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक है, और बिल्कुल रेनबो की तरह सातों कलर भर जाएंगे। बहुत अच्छा आपका कार्ड्स आया फॉर लव बाउंडिंग, आपकी बाउंडिंग जो है अच्छी होगी, ठीक है, आगे देखते हैं। सो पाइल टू, आपका यहाँ पे जो है फ्लो कार्ड आया है, ये भी काफ़ी अच्छा मैसेज दे रहा है कि आप जो आपका रिलेशन है ये तो हीलिंग होगा और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, नए नए चीज़ें जो है बदलाव आएंगी, लाइक जैसे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, और बस ये जो है एनर्जी बस आपके पास आ रही है, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, रिसीव इट, और आपको बस फ्लो के साथ बहते जाना है और ये एनर्जी बस आपके पास आ चुकी है और बस इसको आपको फ्लो के साथ बहना है, ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती हैं, ठीक है, फैमिलीज़ के साथ हम होते हैं तो फैमिलीज़ के साथ भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिलेशन जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आगे जाके आपका जो रिलेशन है वो अब हील करने वाला है और साथ साथ आपको फ्लो के साथ बहना है, क्योंकि सारा कुछ जो ये आपका जो साइकिल चल रहा है
वो सब कुछ क्या होगा, ठीक हो जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप उसको, जितने भी टॉक्सिक थॉट्स है उन सारे टॉक्सिक थॉट्स को आप रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, ठीक है, और आगे बढ़ो अपने रिलेशन में एक शांति लाने के लिए, पीस लाने के लिए। और ये सारा कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है। आगे देखते हैं कि मूव मैसेज क्या दे रही है। अगर आप रिलेशन में नहीं हो, ठीक है, तो जल्द ही आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये क्लियर मैसेज यही दे रहा है, ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। वो भी हम देखेंगे चीट्स के थ्रू कि आप कहाँ कैसे मिलोगे, ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप जो है अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है। अब जो है सिर्फ एक्शन लेने का ज़रूरत है, आपकी लाइफ में वो आने वाले हैं। किसी भी टाइम का वेट करने का ज़रूरत नहीं है, आप फटाक से एक्शन लेना कि हाँ आप मतलब प्रपोज़ कर सकते हो, अपने दिल की बात कह सकते हो कि हाँ मैं आपके साथ रिलेशन में होना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि सामने वाले भी जो है वो आपके साथ रिलेशन में होना चाहेंगे, ठीक है। आपका क्या होगा रिलेशन में, एक मैं आपको बता देती हूँ, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि एक ज़्यादा डोमिनेंट है एक कम है, दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मुझे ये दिखता है कि आपको बिल्कुल पूरी तरह सपोर्ट करना होगा अपने पार्टनर को, ठीक है, साथ ही साथ इस तरह से क्या होगा कि आपका जो रिलेशन है वो इक्वल होगा दोनों तरफ से, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, फ्लोरिश करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा, ओके, ग्लो के साथ ग्रो भी करेगा। तो यहाँ पे यही है, आपको पूरी तरह अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है, सब तरह से उनके बात को समझना है। अगर कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो क्लियर, ऐसा नहीं कि सारा कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाना, नहीं, अच्छे से बात को समझना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि बात करने से ही आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई लाइफ में नहीं था तो वो जल्दी ही आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, लाइफ पार्टनर, फ्यूचर स्पॉस से मिलने वाले हो, ओके। सो पाइल टू, अब यहाँ पे आई है जॉय और स्टेबिलिटी। ये कार्ड जो है बहुत ही एकदम इतना अच्छा मैसेज दे रही है ना आपके लव बॉन्डिंग के लिए। बोल रहा है कि अगर आपकी शादी होती है, शादी होने के बाद आप साथ में रहते हो, तो आपके रिलेशन में, शादी में जो शादी है उसमें बहुत ज़्यादा जॉय और स्टेबिलिटी होगी, एक सनी एनर्जी होगी, ठीक है, एक जॉयफुल एनर्जी होगी आपके रिलेशन में, पॉजिटिव एनर्जी होगी, और आपका जो शादी के बाद जो रिलेशन होगा वो बहुत स्टेबल होगा। आपके उनके फैमिली वाले, आपके फैमिली वाले दोनों ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और सब कोई मिल के जो है आपके रिलेशन को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट योर रिलेशन, ठीक है, और बहुत ही जल्द जो है सेलिब्रेशन होने वाला है। इसके थ्रू मुझे ये पता चल रहा है कि हो सकता है आपकी शादी जल्दी ही होने वाली है, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो जॉय मतलब आपका जो रिलेशन है उसमें तो खुशी भर ही जाएगा, ठीक है, खुशी से लाइक रेनबो, मैं हमेशा बोलती हूँ लाइक रेनबो, और स्टेबिलिटी होगी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो जितना भी प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करो, कम्युनिकेट करके अपने पार्टनर के साथ क्लियर करो, क्योंकि जो जॉय है, स्टेबिलिटी आपका वेट कर रही है आपके रिलेशन में आने को, ठीक है। जब आपकी शादी होगी तो लव बॉन्डिंग तो होगी, साथ साथ स्टेबिलिटी भी होगी आपके रिलेशन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अभी हो सकता है आप लोग इतने दूसरे एक दूसरे को नहीं समझते हो इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन अब जो है हीलिंग हो रही है, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, आप लोग में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके रिलेशन में, ठीक है, एक सन वाली एनर्जी आएगी, एक जॉयफुल एनर्जी आएगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है बिल्कुल इस कार्ड से। इस मैसेज एंजल यही मैसेज दे रही है। चलिए अब देखते हैं थॉट चक्र यहाँ पे बोल रहा है आपको। पहले तो आप देखो कि यहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू कलर शांति का प्रतीक होता है, तो इससे क्लियर पता चला है कि आपका रिलेशन जो है आफ्टर मैरिज बहुत शांति रहेगी, आपके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी के साथ जॉय और शांति पीस रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है अगर आप अपने चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप दोनों साथ में मिलकर क्या करना, सिंगिंग करना, ठीक है, चैंटिंग करना ओम का, और मेडिटेशन कर सकते हो, और जो कुछ भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपकी इस तरह से क्या होगी, रिलेशन बहुत इम्प्रूव होगी, आपके फैमिली के साथ भी रिलेशन बहुत इम्प्रूव होगी, आप अपने फैमिली को भी खुश रख पाओगे, अपने पार्टनर को भी खुश रख पाओगे, और ख़ुद को भी खुश रखोगे, कैसे, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करके, बहुत सारी चीज़ को अचीव करके। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज यहाँ दे रहा है कि आप को मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब करना चाहिए, ठीक है, अगर थॉट चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हो। साथ साथ मुझे इस कार्ड के थ्रू ये पता चल रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, हो सकता है कि वो स्पीकर हो, राइटर हो, सिंगर हो, ठीक है,
और ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिलके बहुत ज़्यादा बहुत कुछ अपने रिलेशन में आप दोनों मिलके बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और बहुत कुछ ऐसा कुछ करोगे जिससे आपकी फैमिली प्राउड फील करेगी। ओके, सो पहला स्टेप मुझे ऐसा दिख रहा है कि हीलिंग होगी, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को अच्छे से समझोगे, फिर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेट गो करोगे, जाने दोगे, और फिर आपके लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आएगी आफ्टर मैरिज। और अभी अगर आप क्लियर करते हो बात करके, कम्युनिकेट करके सारी बातें क्लियर करते हो, तो जॉय स्टेबिलिटी आपके रिलेशन में आने वाली है, तो आप उस चीज़ पे फोकस करो और उसको एंजॉय करो। और अगर और बेहतर अपने रिलेशन को बनाना चाहते हो तो यू कैन डू मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन और ओम चैंटिंग करो, अपने चक्र को एक्टिवेट करो, ठीक है, सिंगिंग करो, कुछ नई क्रिएटिव चीज़ सीखो, ओके, और हर चीज़ को एक मैनर में डिसिप्लिन के साथ रखो, तो आप बहुत आगे जाओगे अपने लाइफ में और आपका रिलेशन भी बहुत ग्लो करेगा, फ्लोरिश करेगा, ठीक है। तो ये थी, अब हम देखते हैं कि आपकी मैरिज कब हो सकती है, मैं कार्ड्स के थ्रू देख लेती हूँ। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, बताइए कार्ड्स के थ्रू कि मेरे व्यूअर्स की मैरिज कब तक हो सकती है और वो या फिर वो कब तक मिल सकते हैं। 4, ओके, 4, देखिए यहाँ पे 4 आया है, यहाँ पे 4 आया, हो सकता है कि आप तो 4 मंथ बाद आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलो, फिर 5 एंड 5 आया है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 5 महीने बाद या 4 महीने बाद आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है, या फिर आप रिलेशन में हो तो आप अपने फैमिली को बताओगे, तो हो सकता है कि शादी की बात शुरू हो जाए। और देख लेते हैं, 1, 6, यहाँ 6, 7 भी आ रही है, ठीक है, तो ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 4 एंड 4, 5 एंड 5, तो इतने मंथ्स में हो सकता है, या तो आप अब नहीं मिले हो तो 4 या 5 मंथ्स में मिलोगे, या फिर मिल चुके हो तो हो सकता है आपकी फैमिली वाले को पता चले और आपकी बात शुरू होगी। ओके, सो ये था, और अब हम देखते हैं चीट्स के थ्रू। सो पाइल टू, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कितने ईयर में मिल सकते हो, फिर कितने ईयर में आपकी शादी होगी। ओके, सो फर्स्ट 1 मंथ में हो सकता है आप मिल सकते हो अगर आप नहीं मिले हो तो। सेकेंड इज़ 4 मंथ, देखो रेजोनेट भी हुआ था, आया भी था 4 मंथ, तो हो सकता है 4 मंथ के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। 2 ईयर्स में हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, 2 ईयर्स में आपकी शादी हो जाए, ठीक है, आप लोग साथ रहने लगो। आगे देखते हैं और भी, 3 मंथ्स, बस वैसे ही लगभग आ रहे हैं, 3, 4, वेरी सून, वाओ, बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी मिलने वाली है और फिर बहुत जल्दी शादी होने वाली है आपकी। एक लास्ट है 6 मंथ, ओके, सो 3, 4 अराउंड, इसी के अराउंड है 6 मंथ, ओके, तो ये था। और अगर शादी के देखें तो 3, 2 ईयर्स, एक और देख लेते हैं शादी के लिए, डिवाइन टाइमिंग, ओके। सो पाइल टू, हम देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर फ्यूचर स्पाउस का लुक कैसा होगा। सो देख लेते हैं, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, बताइए मुझे। फर्स्ट, फ्रीकलेस, ओके, बफ, आगे देखते हैं, फेयर, फेयर होंगे, कर्व लिप्स, ओके, एवरेज हाइट होगा, ऑलराइट, और देख लेते हैं, रोजी, मतलब फेयर होंगे और उनका स्किन टोन रोजी टाइप होगा, थिन लिप्स, कर्व एंड थिन लिप्स, ओके, स्ट्रेट हेयर, दैट्स गुड। एक और लास्ट देखते हैं, राउंड आईज, ब्यूटीफुल राउंड आईज, ओके, सो ये सब है, कर्व लिप्स, फ्रिकलेस, बफ, फेयर, राउंड आईज, एवरेज हाइट, रोजी स्किन, थिन लिप्स, स्ट्रेट हेयर, ओके, तो ये था उनके लुक्स के बारे में। नाउ लेट्स चेक इट आउट कि उनका नेचर कैसा होगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, काइंडली मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। फर्स्ट, आउटस्पोकन, हैप्पी, खुश मिजाज होंगे, खुश रहने वाले,
ओके, मॉडर्न होंगे, अच्छे ख्यालात वाले होंगे, नए सोच वाले होंगे, ओपन माइंडेड, ओके, डायनामिक, ओके, एथलेटिक हो सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह में भी इन्वॉल्व हो, ओपननेस, ओके, चाइल्डिश मतलब क्यूट चाइल्डिश नेचर के होंगे, ओके, बच्चों की तरह खेलना कूदना पसंद होगा, फूडी, सो आप रेडी रहो खाना बनाकर देने के लिए क्योंकि बहुत फूडी होंगे वो, पोलाइट, अच्छे नेचर के होंगे, पोलाइट हम्बल, और एक लास्ट देखते हैं, ओल्ड फैशन, मॉडर्न के साथ ओल्ड फैशन मतलब कि सोच उनकी मॉडर्न होगी, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से रखेंगे, और साथ साथ ओल्ड फैशन मतलब ट्रेडिशनल सोच हुई उनकी, ठीक है, तो ये था इनका नेचर, और एक लास्ट देखेंगे हम कि वो कहाँ से हो सकते हैं, ओके, सो लेट्स सी कि वो कहाँ के हो सकते हैं, प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, बताइए, ओके, लेते हैं पहला चीट, फिनलैंड, ओके, फिलीपींस, सारे बाहर के कंट्रीज आ रहे हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ओके, और देख लेते हैं, जर्मनी, ऑलराइट, कोस्टा रिका, नाइस प्लेस, नाइस कंट्री, सेम स्टेट, हो सकता है कि सेम स्टेट से हो, या तो इतने सारे बाहर कंट्रीज़ के आए, ठीक है, अगर आप इंडिया के हो तो, और सेम स्टेट के भी हो सकते हैं, बर्मा, राजस्थान, चलिए ये देखिए राजस्थान से भी हो सकते हैं, सेम कंट्री के भी हो सकते हैं, तो ये था सेम कंट्रीज़, ओके, तो इतनी सारी चीज़ हैं, सेम कंट्री, फिनलैंड, फिलीपींस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जर्मनी, कोस्टारिका, सेम स्टेट, बर्मा, राजस्थान, ओके, सो पॉइंट टू, अब हम देख लेते हैं कि कितने नज़दीक प्लेस पे आप मिल सकते हो, ठीक है, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, मुझे बताइएगा, लाइक मार्केट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सब, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, ठीक है, या कहीं पढ़ने की स्कूल, सॉरी, या स्कूल पे भी मिल सकते हो एज अ टीचर, ठीक है, या तो देखते हैं, मंदिर में मिल सकते हो आप लोग, ओके, वाओ, चर्च में मिल सकते हो आप लोग, मतलब ऐसा दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप होली प्लेस में मिलोगे, लाइक टेम्पल या चर्च, आगे देखते हैं, जिम में मिल सकते हो, ओके, दो दो आए हैं, पार्टी में मिल सकते हो, ओके, और या फिर स्टोर पे मिल सकते हो, और भी देख लेते हैं, मैरिज पार्टी, मैरिज हो सकता है, मिल जाओ मैरिज पार्टी में, मॉल में, ठीक है, पब, हॉस्पिटल, और एक लास्ट देखते हैं, वर्क प्लेस पे, ओके, सो ये सारी जगह है जहाँ पे आप मिल सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो, सो ये थी पाइल टू की रीडिंग, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल दे रखा है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप और सॉरी इंस्टा पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने इंस्टा पे भी इंस्टा का भी आईडी अपना दे रखा है, ओके, और स्क्रीन पे भी अभी शो कर रही है, आप देख सकते हो, ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो, ओके.